सच सच बताओ, क्या तुम वहां थी? क्या तुमने वो? मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, ये सब बस गोपी का किया धरा है। वो अपना किया धरा मुझ पे थोपना चाहती है। मम्मी जी, आप तो जानती हैं ना कि पूर्णमासी की पूजा तो मैंने ही रखवाई थी, तो उसे बिगाड़ कर मैं भला पाप की भागीदार क्यों बनना चाहूंगी? ये सब गोपी ने ही किया है, वही इस तरह की गलतियां करती रहती है। राशि, सच सच बताओ, सोच समझकर तुम वहां थी या नहीं? थी या नहीं? हाँ, मैं वही थी। सुन लिया ना? नहीं नहीं, वो जब मणि वहां पहुंची तब मैं वहां से निकल गई थी। गलत गलत, झूठ बोल रही हो। मणि वहां थी नहीं, मणि बा के साथ थी और बा के साथ कुछ काम कर रही थी। केम्बा, नहीं नहीं मम्मी जी मैं सच कह रही हूं, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने वो चने कुकर से नहीं निकाले थे। सुना आप लोगों ने? कुकर। मैंने तो कुकर कहा ही नहीं, मैंने कुकर का नाम तक नहीं लिया, तो तुम्हें कैसे पता? झूठ बोल रही हो तुम। वो मम्मी जी मैंने कुकर इसलिए कहा क्योंकि कुकर अगर खाली होगा तभी तो वो फटा होगा ना, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था काकी जी, गोपी उस कुकर में चने अपने हाथों से डाल रही थी, अगर वो कुकर खाली था तो मतलब किसी ना किसी ने तो कुकर से चने निकाले ही होंगे ना। मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया, वो मणि वहां किचन में पहुंची तभी मैं वहां से निकली। हाँ, मैंने ही मणि को पूजा के लिए हल्दी लाने के लिए रसोड़े में भेजा था, लेकिन वो 2-5 मिनट में वापस आ गई। तो ठीक है, अभी के अभी मैं मणि को बुलाती हूँ और इस मामले को यहीं खत्म करती हूँ। नहीं काकी जी, मम्मी जी देखा मुझ पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा। मणि, कोकिला जवा देने। क्यों मोटा भाभी, क्यों क्यों छोड़ दूं मैं? मैं इस बात को अभी के अभी सबके सामने लाना चाहती हूं, सच को सामने लाना चाहती हूं मैं। चल राशि। नहीं काकी जी। चल काकी जी, मेरी बात तो सुनिए। चल राशि। मम्मी जी। मणि। मम्मी जी। मणि। जी जी नानी भाभी। एक बात बताओ मणि, कल जब तुम पूजा की तैयारी बा के साथ कर रही थी तब तुम रसोड़े में गई थी? हाँ नानी भाभी, मैं हल्दी लेने गई थी, पर तब तुम्हारा राशि भाभी भी थी। हाँ, लेकिन वो चली गई थी। क्या तुमने चने कुकर से निकाल कर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया? नहीं नानी भाभी, भला मैं ऐसे क्यों करूंगी?
मैं तो हल्दी लेकर वहां से तुरंत चली जाती, पर फर्श पर जूस पड़ा हुआ था और मैं उसे साफ करने लगी। अरे हाँ, ये तो राशि थी जिसने जानबूझकर मेरी साड़ी पर जूस गिराया, है ना राशि? ताकि मुझे दोबारा नहाने जाना पड़े। और मैंने तुमसे कहा था कि तुम फर्श पर गिरा जूस साफ करो, तुमने हाँ बोला। लेकिन अगर तुमने वो जूस साफ नहीं किया तो तुमने रसोड़े में क्या किया? जवाब दो। देखा, सारा मामला साफ हो गया। अपने किए का इल्जाम तुम मेरी गोपी वहू पर लगाना चाहती हो? वाह जी वाह, पहले मेरी गोपी वहू, उसके बाद बिचारी मणि। इसका तो यह मतलब हुआ कि खुद गलती करो और किसी न किसी बहाने किसी और को बलि का बकरा बनाओ। नहीं, मम्मी जी देखिए ना, मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया जा रहा। और एक नौकरानी की बात को सच ठहराया जा रहा है। मम्मी जी आप तो जानती है ना, गोपी से आजकल बहुत गलतियां हो रही है। मम्मी जी तो शायद वही चने उस कुकर में डालना भूल गई हो। मम्मी जी मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। और एक बात, जब से वो कामों का बंटवारा हुआ है तब से मैंने गोपी के कामों में दखलंदाजी नहीं की। झूठ पर झूठ बोले जा रही हो तुम राशि। मेरी गोपी वहू अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से जानती है और निभाती भी है। अने बीजी बात, मेरी गोपी वहू कभी भी झूठ नहीं बोलती। कोकिला, हम ये बातें बाद में भी तो कर सकते हैं। क्यों मोटा भाभी, क्यों करें बाद में ये बात? मेरी जान पर आन पड़ी थी। जिसने गलती की है सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। पहले मेरी गोपी वहू घर छोड़कर जा रही थी, अब राशि घर छोड़कर जाएगी। काकी जी, मम्मी जी, चुप। एकदम चुप। तुमने निशाना तो मेरे पर साधा था ना, मैं बच गई। तो जब मैं निशाने पर थी तो सजा भी मैं ही सुनाऊंगी तुझे। अपना सामान बांधो और जाओ यहां से। Thank you.